बांग्लादेश भारत न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ। बिजनौर में नवागत कप्तान ने पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिले के क्राइम के मुद्दों पर बातचीत की। कप्तान अभिषेक झा ने पीड़ितों की तत्काल इंसाफ मिले इस पर काम करने की बात कही है। दरअसल बिजनौर पुलिस लाइन सभागार कक्ष में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, जिसमें नवागत कप्तान ने पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिले के क्राइम के मुद्दों पर बातचीत की। कप्तान अभिषेक झा ने पीड़ितों की तत्काल इंसाफ मिले इस पर काम करने की बात कही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपराधी अपराध करना छोड़ दे, नहीं तो उन पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जिले में अपराध करने वाले अपराधियों की खैर नहीं है। आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज पाल की यह लेटेस्ट खबर। कप्तान यहाँ रह गए हैं, उन्होंने थाने पे आदेश जारी किया था कि अगर किसी थाने के ज्यादा फरियादी मेरे पास आए तो इसका मतलब वो थानेदार सुन नहीं रहा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह का व्यवस्था होनी चाहिए। बढ़ापुर भी 60 किलोमीटर है, इस तरह के थाने कई सारे हैं जो बेचारे लोग गरीब लोग आते हैं सुबह से शाम तक, तो इस पर भी कुछ फोकस होना चाहिए। आपके यहाँ अब आप बैठे हैं, आपके यहाँ आज ही आप कम से कम 100-150 फरियादी आ जाएंगे। कप्तान साहब रहे पुराने वाले, बहुत अच्छी जन सुनवाई उन्होंने करी, इसमें कोई कहने की कोई बात नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वो खुद परेशान थे कि इतने फरियादी आ कहाँ से रहे हैं। थाने में कोई नहीं जा रहा, सीओ के कोई नहीं जा रहा, एडिशनल के कोई नहीं जा रहा। देखिए इसके दोनों एस्पेक्ट्स हैं, ये मतलब जैसे स्टैटिस्टिक की बात नहीं, इसके दोनों एस्पेक्ट्स हैं। कई ऐसे केसेस में ये भी होता है, आदमी को अगर लगता है नेचुरली एसपी जो है उसको लगता है कि मुझे इमीडिएट रिलीफ अगर मुझे सीधे वहां से मिल जाएगी तो नो मैटर व्हाट वो आएगा, कहीं ना कहीं मुझे वो डिस्टिंग्विश भी करना दोनों चीजें। अगर मान लीजिए कंसिस्टेंटली किसी थाने पर जन सुनवाई नहीं होती है तो नेचुरली वहां पर पनिशमेंट के दावेदार हो, बट इसमें आई थिंक एक केयरफुल बैलेंस भी अगर वैसा रहेगी और आप पता कर सकते हैं, मैं आई विल रिस्पॉन्ड ऑन फोन अगर कोई ऐसा इशू रहता है। नहीं भी होता है तो मैं कॉल बैक भी करके पूछ लेता हूँ क्या मैटर है, और अगर कोई इंपॉर्टेंट मैटर है तो सी ओ भी फाइल स्टार्ट करूँ, कोई इशू भी हो सकता है उस चीज़ को जो मैं आने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, बिकॉज अभी कुछ त्यौहार भी है तो उसके लिए जो है अलग मुझे पहले उस चीज़ पर फोकस करना है। तो मे बी इन द नेक्स्ट 15-20 डेज कर दूँ, तो उस बीच में जो ग्लिचेस रहेंगे प्लीज नोट माइंड, अगर कोई भी इशू रहता है तो आप इमीडिएटली मुझे कॉल करके बता दें, आई विल एंटरटेन कोई इशू नहीं है। कप्तान साहब सब क्या आपका टीम की परफॉर्मेंस है? देखिए फर्स्ट इम्पोर्टेंटली इसको यही है कि कंप्लेंट्स अटेंड किए, इट्स अ बिग डिस्ट्रिक्ट तो कंप्लेंट की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा हो, और मेरा पहला फोकस यही है कि अगर किसी दूसरी चीज ये है कि करप्शन की नॉट टॉलरेट होता है, और अगर कोई भी इस प्रकार की शिकायत आती है वी गेट इट इंक्वायर्ड, और यदि इंक्वायरी में वो बात सत्य पाई जाती है तो जो कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो होगी। इसके अलावा जो जितना मैं यहाँ की क्राइम प्रोफाइल को जो फिलहाल मैंने देखा है, यहाँ पर बॉडी ऑफेंसेस मैंने ज्यादा देखे हैं एज कम्पेयर टू प्रॉपर्टी ऑफेंसेस, तो आई थिंक मुझे जो है ये समझना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि उसके क्या कारण है, क्या पर्टिकुलरली रीजन है कि इसमें बॉडी ऑफेंसेस ज्यादा है, उस पर काम करने का प्रयास करूँ। और प्रॉपर्टी ऑफेंसेस थोड़ी बैंक में बहुत सीरियसली लेता हूँ, तो 112 के इवेंट्स को आई थिंक पहले भी यहाँ फॉलो किया जाता रहा है, और मेरी भी कार्यशैली में होती है, मैंने इनको करने की कोशिश की है, तो 112 के इवेंट्स को हम सीरियसली फॉलो करेंगे और उसी के बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट का क्राइम को फाइल दर्ज करेंगे। कप्तान साहब जब फरियाद